सत श्री अकाल दोस्तों, झज एग्रीकल्चर चैनल ते तुहाडा स्वागत है। दोस्तों अज आपां तुहानू PR 126 झोने की वरायटी दिखाउण जा रहे हैं। इनू अज लगभग एक महीना हो चुका है, 1 जुलाई नू इहदी आपां ने लगाई कराई गई सी ते इहदी टिलरिंग तकरीबन 30 to 32 टिलरिंग एक बुझे की बन चुकी आ। ते आपां ने इहदे विच हुण तक सिर्फ 2 यूरिया रेह लगाए ने। ते किसान वीरों PR 126 एक ऐसी वरायटी आ जिहदे विच यूरिया रेह भी घट पैंदा आ पूसा दे मुकाबले। दोस्तों PR 126 की पनीरी 20 to 25 दिन के अंदर अंदर खेत के विच लगा दित्ती जावे। इसकी पनीरी नू पकड़ ना होण दित्ता जावे, इसनू 20 to 25 दिन विच ही लगा दित्ती जावे। ते पनीरी लगाउण तो बाद 90 to 95 दिन के विच विच खेत विच पक जांदी है। दोस्तों जेकर PR 126 दे विच आपां यूरिया रेह पूरा करन दी गल करिए तां इह तकरीबन 20 to 22 दिन के विच पूरा कर देना चाहिए है। जिहड़े किसान वीर 3 यूरिया रेह लगाउंदे ने उह 20 to 22 दिन के विच PR 126 दे विच यूरिया रेह पूरा कर देण। पूसा दे विच जिवें कि आपां गल करी सी 1 महीना जां 35 दिन के अंदर अंदर यूरिया रेह पूरा करना चाहिए है, तो PR 126 दे विच 20 to 22 दिन ही बनते हैं। दोस्तों PR 126 दे विच यूरिया रेह तो अलावा होर कुछ भी पाउण दी कोई भी लोड़ नहीं हैगी। किसान वीर मार्केट विच आईयां चीज़ां दे वध तो वध वरतों करके इहदी कद वधा लैंदे ने। ज़्यादा कद वधेगा तां इहनूं पत्ता लपेट भी बहुत जल्दी आवेगी ते इह जल्दी ही डिग भी जावेगी। इस दी उम्र घट होण करके इसनूं यूरिया रेह 20 to 22 दिनां दे विच बस तुसीं पूरे कर देवो। जिहड़े भी किसान भरावां ने पूसा 44 विच 3 रेह जां अपना 4th रेह पूरे कर दिते हैं, बहुत वधिया। जेकर उन्हां दा झोना 30 to 32 दिन का हो चुका है तो आखिरी रेह हुण जल्दी लगा देण। अगस्त महीने विच पूसा 44 विच रेह पाए दा कोई फायदा नहीं क्योंकि उसका ही पराल ही बनेगा। इसलिए पूसा 44 दे किसान भरा जल्दी तो जल्दी अपने रेह पूरे कर लैण। इस दे नाल ही जे 126 की गल करिए, 126 हुण जुलाई महीने के लास्ट के लगाई जा रही आ। जिन्होंने मक्की का चार पौना सी वह वाढ़ां दे विच 126 लग रही आ ते वह किसान वीर भी 20 दिन के अंदर अंदर अपना यूरिया रेह जल्दी जल्दी पूरा कर देण। जिहड़े भी किसान भरावां दीआं जमीनां रेतलियां हन जिथे बुझा बण दी समस्या आउंदी है, टेलरां दी गिणती घटदी है, वह किसान भरा पहले यूरिए रेह दे नाल बायो फर्टिलाइजर की वरतों जरूर करन तां जो उन्हां दीआं रेतलियां जमीनां विच बुझा वध बण सके। ते PR 126 हुण जुलाई के अखीरले हफ्ते लग रही आ जां अजकल दे दिनां विच लग रही आ। जिहड़े किसान भरावां दी PR 126 दी उमर 20 दिनां ते हो चुकी है तां उह 20 दिनां तों पहलां बायो फर्टिलाइजर दी वरतों कर सकदे हन। इस दे नाल उह सल्फर दी वरतों भी कर सकदे हन जेकर उहनां दा पाणी नहीं खाधा जांदा, डाकर जमीनां दे विच सल्फर पाया जावे। ते पोटास दी मात्रा 15 to 20 किलो तक ही पाई जावे। मैं किसान भरावां नूं फिर तो एक बार अपील करदा हाँ, जिहड़े किसान भरा मार्केट विच मिलदे प्रोडक्ट जिहड़े कि झोने नूं इकदम काला कर दिंदे हन, उहनां दी वरतों घट तो घट ना मात्र ही कीती जावे। एक बार उह पाउण तों बाद गोभ दी सुंडी 10 to 15 दिनां दे विच विच आ जावेगी, बहुत जल्द बुलाव आएगा, पत्ता लपेट भी जल्दी आएगी। इसलिए दोस्तों घट तो घट उह प्रोडक्टां दी वरतों घट करो। जो कुछ भी पाउणा है तां मिट्टी दे विच ही रला के पा दित्ता जावे यूरिया रेह दे नाल, जिवें कि अपना पोटास हो गया, जिंक हो गया। ये प्रोडक्ट आपां जे मिट्टी विच पावांगे तां उह खुराक मिलदी आ, जिहड़ा कि झोने नूं पत्ते राही खुराक दित्ती जांदी आ, उह इक आर्टिफिशियल खुराक हुंदी आ, उसका इन्ना कोई फायदा नहीं हुंदा, सिर्फ रंग ही काला हुंदा आ। की किसान भरावां दे मैसेज आ रहे सी वी झोने दीआं टिलरिंग गिणती घट हुई आ, बुझा घट बणिआ, ते हुण उस विच की कीता जावे। किसान भरावो झोना अपना 1 महीने तो उपर हो चुकिआ तां हुण आपां टिलरिआं दी गिणती नहीं वधा सकदे। कुछ भी पाउणा होवे तां 25 दिन तों पहलां पाउणा पैंदा आ। ते एड्डी कोई समस्या वाली गल नहीं हुंदी वी आपणे जे टिलर घट ने तां उस विच झाड़ घट रहेगा नहीं। जेकर हुण मैं गल करां मेरे झोने दे 38 टिलर हन तां 38 टिलरां विच्चों सिर्फ 30 टिलरां नूं ही मुंजरां निकलनीआं ने, जो सिट्टा निकलना झोने उपर वह 30 तक ही निकलेगा। कदे भी 100% टिलरां नूं 100% मुंजरां नहीं लगदियां, हमेशा ये गल ध्यान विच रखी जावे। की किसान वीर आपां नूं बट्टां नूं लैविलेशन बारे पुछ रहे सी। दोस्तों आपां नूं 4 साल हो चुके ने बट्टां लैविलेशन करते हुए, ये एक बहुत ही वधिया नवी तकनीक आ, तुसीं भी ये जल्दी तो जल्दी तकनीक नाल सांझ पा लवो। वीडियो विच तुसीं देख सकते हो कि बट्ट नूं लैविलेशन किया होया, झोने अते बट्ट दे विचकार कोई भी कख वगैरह हरा नहीं होया,
ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਸਪਰੇ ਅਤੇ ਦਾਤੀ ਚੱਕਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੱਟ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੱਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਰਾਊਂਡ ਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਿਫਾਫੇ ਦੀ ਲੈਵੀਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 165 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 70 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ 2.5 ਕਿਲੋ ਏਕੜ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਟਾਂ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਟ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚਿਪਕ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਆਂ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈੱਲ ਦੇ ਬਟਨ ਉੱਪਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।